आज की जो क्लास हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का, जो कि एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न बनते हैं, चाहे आप व्यापम, पीएससी, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, काफी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का, जिसमें कार्य छोड़कर चले जाने वाले प्रश्न देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा, ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं बताया होगा। तो चलिए, ऐसे ही जो क्वेश्चन आता है उसको एक ही ट्रिक में हम सॉल्व कर देंगे, वो भी आसान तरीके से, ठीक है। जैसे कि यह क्वेश्चन जो है आपका लेंथी तरीके से बनता है, लेकिन हम उसको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बताएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आप वीडियो को लाइक करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा टाइम एंड वर्क का यह सवाल है जो आपके एग्जाम में एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है। मान लीजिए कोई एक काम है उसको 10 दिन में समाप्त करता है, उसी प्रकार भी उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बिल्कुल शानदार ट्रिक से आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद दोनों मिलकर कार्य करते हैं, मान लीजिए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, मिल गए हैं, दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि कार्य छोड़ने वाला सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए, मान लीजिए एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं, लेकिन तब 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अब 3 दिन बाद जब बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तब पूछा गया है कि पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। आपके एसएससी, व्यापम, पीएससी सभी एग्जाम में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। इसको सॉल्व करते हैं, तो पहला ए 10 दिन, बी 9 दिन, सी 8 दिन या डी 7 दिन, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग को मालूम होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिएगा आपका एक काम को 10 दिन में करता है, मान लीजिएगा ए जो है आपका 10 दिन में करता है, बी उसको 15 दिन में करता है। अब दोनों मिलकर बोल रहा है तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 दिन, है ना, 30 यूनिट आपका हो गया। अब देखिए 10 इसको करेंगे, 10 * 30 और 15 * 30, अब क्या कहता है कि बी उस काम को छोड़कर चला गया है। अब मान लीजिएगा बी उस काम को छोड़कर चला गया कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, तो 3 + 2 कितना हो जाता है, 6। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण याद रखना आप लोग, अगर कभी भी बाद वाला सवाल पूछेगा, बाद वाला पूछेगा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और पहले वाला पूछा जाएगा, पहले वाला तो हम प्लस करेंगे। कभी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है, कभी भी पहले वाला पूछा जाएगा प्लस कीजिएगा, और बाद वाला रहेगा तो माइनस कीजिएगा। क्या पूछा गया यहाँ पर, 3 दिन बाद पूछा गया है, तो 3 दिन बाद पूछा गया है, तो देखिए 3 * 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 30 में कितना करेंगे, टोटल कितना काम है, 30, तो 30 में हम 6 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 24, 24 आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए, अब पूछा गया 24 यूनिट, जब 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है तो हमारा कितना बच रहा है, 24 दिन, ठीक है, बी कार्य छोड़कर चला गया है, लेकिन ए आपका बचा है, ये आपका कितना है, 3 दिन, तो 24 को हम 3 से भाग करेंगे, कितने बार बच जाएगा, 8 * 24, यानी कि ए का जो काम है आपका 8 दिन में करेगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर ए। यानी कि जब एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, जब दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, उसके पश्चात आपका बी 3 दिन कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कितना दिन बचेगा, 8 दिन बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा। चलिए सेकंड सवाल देखते हैं, काफी मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा। पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप। देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कहता है कि यहाँ पर कि ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, मान लीजिएगा ए जो कार्य है आपका 10 दिन में समाप्त करता है, उसी पर बी उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। पहले वाले हम क्या देखे थे, एक कार्य को 10 दिन में और दूसरा 15 दिन में, लेकिन कार्य छोड़ने वाला सवाल था, लेकिन आज हम यहाँ का कार्य को छोड़ेंगे नहीं, हम पहले ही इसको जाएंगे। देखिएगा बी उस दिन समाप्त करता है, यानी कि एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, लेकिन क्या कहता है, एक का जो कार्य है समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले चला जा रहा है। उसमें क्या देखे थे, 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता था, लेकिन अब इसमें
पांच दिन पहले ही चला जा रहा है, तो देखेंगे मजा आने वाला है। सवाल लास्ट तक देखते जाइएगा, पहले चला जा रहा तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, पूरा कार्य आप कितने दिन में करेगा। मान लीजिएगा देखिए ए का कार्य कितना है, ए का कार्य 10 दिन, बी का कार्य कितना है 20 दिन। अब दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 20, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 10 दूना 20, अब 20 एक का 20, याद रखना टोटल कितना यूनिट हो रहा है आपका 20 यूनिट। अब पूछा क्या गया, एक कार्य होने से पहले 5 दिन पहले चला जा रहा है, तो एक कार्य कितना 5 दिन पहले चला जा रहा है, क्या करेंगे, पहले वालों में बताया था आपको प्लस करना है, तो प्लस करेंगे 5 दूना कितना हो जाता है 10, टोटल यूनिट कितना था 20, 20 में जब 10 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा टोटल हमारा 30 यूनिट, कितना आ जाएगा हमारा 30 यूनिट। अब पूछा क्या गया है कि टोटल कार्य कितना करेगा, जब एक कार्य कर चुका है तो आपका टोटल कार्य पूछा गया, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, तो 30 यूनिट में 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 10, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 दिन में करेगा, यानी कि जो पूरा कार्य होता है ना आपका तो आपका 10 दिन में करेगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, शानदार आ रहा है ना, मजा आ रहा है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो क्या आ जाएगा बी का कार्य आपका 10 दिन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। समझ में आया, देखिए ए का कार्य का है 10 दिन, बी का कार्य है 20 दिन, दोनों मिलकर कर रहे हैं लेकिन एक कार्य पहले छोड़कर चला जा रहा है, ठीक है। जब कार्य छोड़कर चला जाता है 5 दिन तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, आंसर आ चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी मजा आने वाला है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, मान लीजिएगा कोई 15 व्यक्ति है जो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, उसी प्रकार 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए। अब देखिए शामिल करने वाला है, अब शामिल हो गया, उसी प्रकार हम उसको गायब करने वाला सवाल देखेंगे, ठीक है। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, मान लीजिए कोई 15 व्यक्ति है उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, उसके बाद कहता है कि 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए। 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और क्या रहा है, शामिल कर रहा है। 4 दिन बाद हम 5 व्यक्ति और शामिल करते हैं तो 15 व्यक्ति पहले कार्य कर रहा था, कितना हो जाएगा 20 व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त तो होगा। प्रश्न में दिया है 9 दिन, बी 10, सी 12, डी 14 दिन, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा। अगर आपको मालूम है क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, मान लीजिएगा 15 व्यक्ति है जिस किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल कितना कार्य होगा आपका 180 दिन, तो टोटल कार्य कितना आ रहा है आपका 180 दिन। मान लीजिएगा 15 व्यक्ति है जो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, जब दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 180 दिन। अब बात करते हैं कि 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए, 4 दिन बाद मान लीजिएगा टोटल आपका कितना यूनिट है 180 यूनिट है। क्या कह रहे पहले 15 व्यक्ति है, 4 दिन बाद बोला है 15 चौक कितना हो जाएगा आपका 60 यूनिट हो चुका, तो कितना आएगा देखिए, जब 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और शामिल करना है तो क्या कर रहे हैं पहले 4 दिन बाद, तो 4 से हम करेंगे, पहले कितना था 15 व्यक्ति था, तो 15 से हम 4 को मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा 60 यूनिट, तो जब 4 दिन बाद जो 60 यूनिट काम कर चुका है तो 180 में 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 120 यूनिट बचा, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 120 यूनिट, कितना है 120 यूनिट बचा आपका। आप कह रहा है 5 दिन मतलब 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और शामिल करना है, जब हम शामिल करेंगे तो 5 व्यक्ति और बचा ही है, तो 15 में कितना था आपका, 15 में जब 5 व्यक्ति शामिल करेंगे कितना जाएगा आपका 20 यूनिट, जब 20 यूनिट को हम यहां से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 15 में 20 को भाग करेंगे कितना बार में जाएगा 6 डे, यहां पर कितना डे था 4 डे, ठीक है।
यहाँ पर चार दिन बचा, चार दिन बाद जब कर रहे हैं तो यहाँ पर समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद इसको शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा। फोर डे में जब काम करता है, इधर छह डे में काम करता है, दोनों को जब ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, दस दिन, कितना आ जाएगा आपका, दस दिन आ जाएगा। पंद्रह व्यक्ति किसी कार्य को बारह दिन में समाप्त किया है, अब बोला गया चार दिन बाद पांच व्यक्ति और शामिल कर रहे हैं, तो पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। जब पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा तो देखिए, पहले 12 और 15 का गुणा किया 180 दिन, दोनों मिलकर कितने किए 180 दिन काम किए, लेकिन चार दिन बाद जब काम कर रहा है तो कितना आ जाएगा 60 यूनिट, 60 यूनिट को जब 180 से हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 120 यूनिट बचा, 120 यूनिट बचा है तो 15 व्यक्ति है, पाँच दिन और शामिल कर रहे हैं पाँच व्यक्ति, 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 में जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 दिन, तो 6 और 4 कितना आ गया आपका 10 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य करेगा 10 दिन में काम करेगा। चलिए इसको देखते हैं, अभी देखिए पांच व्यक्ति शामिल कर रहे हैं, अब कौन सा वाला प्रश्न देखेंगे, अब देखिए मतलब ये क्या है, शामिल करने वाला प्रश्न देखें, अब उसको छोड़ के जाने वाला प्रश्न देखेंगे। अब मान लीजिएगा ये शामिल है, एक मिनट ना, मान लीजिएगा ये आपका शामिल है, अब इसको छोड़ दिया जाए, अब इसको छोड़ कर लिया जाए, मान लीजिएगा पांच व्यक्ति और छोड़ दिया काम, ठीक है। अब छोड़ने वाला सवाल देखते हैं, अब जैसे कि छोड़ दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ दिया तो चलिए जल्दी जिनको मालूम है जल्दी से कमेंट करके बताएं, हम कितने शामिल किए थे 15 व्यक्ति शामिल किए थे, अब जब छोड़ देंगे उस काम को तो कितना हो जाएगा, पहले कितना था आपका, एक मिनट, पहले कितना था, पहले आदमी कितना था आपका 15, अब जब पांच व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा कितना बचेगा 10, टोटल कितने व्यक्ति बचेगा 10 व्यक्ति बचेगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट ना, चलिए यहाँ तक हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जस्ट का तस रह देते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा ये तो सेम वही रहेगा, अब जब छोड़कर जा रहा है, ठीक है, जब छोड़कर जा रहा है तो आपको 20 मिनट तो बचेगा, तो 20 मिनट कितना बचेगा आपका, 15 पहले था, पांच व्यक्ति छोड़कर चला गया, कितना बचेगा 10, 10 में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो कितना जाएगा इसका आंसर 16 डे। समझ में आया, इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है, कितना आसान था इसको बनाने का तरीका। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो का फायदा मिल सके, लाभ मिल सके। ऐसे और भी ट्रिक देखना चाहते हैं, ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हम आप सभी के लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।